नमस्कार, परविंदर के पिटारा में आपका स्वागत है। देखिए, आज समुंदर बहुत उफान पर है और ये हमारी सोसाइटी का गार्डन। ये पीछे बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे महेश भट्ट साहब रहते हैं, आलिया के पापा। तो ये हमारे सोसाइटी का गार्डन जो बीच के किनारे है। चलिए मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। ये योगा के लिए बरसात में दिया गया है। ये लास्ट है। पीछे जो व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सन एंड सैंड है, होटल सन एंड सैंड, जुहू का सबसे पुराना 5-स्टार होटल जिसमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है। बैक साइड है, सन एंड सैंड का। वो सामने जो येलोइश बिल्डिंग दिख रही है वो नोवाटेल, वो भी 5-स्टार है। ये सन एंड सैंड बैक साइड, हम आपको अंदर भी दिखाएंगे। तो ये गार्डन इस गार्डन में बहुत से सेलिब्रिटीज आते हैं। महेश भट्ट, उनकी पत्नी शक्ति कपूर, असरानी जी, कबीर बेदी, सुबह सुबह अक्षय कुमार भी आते हैं। और कभी पद्मिनी कोल्हापुरी, कभी कोई, क्योंकि ये जुहू का पॉश एरिया है। इस गार्डन को हेमा मालिनी गार्डन कहते हैं, क्योंकि हेमा मालिनी जी भी इधर ही आसपास रहती हैं। तो उनके नाम से है, रिस्पेक्ट में, क्योंकि एमपी हैं और एक्ट्रेस हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में जो है नाम दिया गया है हेमा मालिनी गार्डन। पूरे पाइपलाइन में ये पूरा बीच के किनारे जो है तकरीबन 7 गार्डन है। पीछे गोदरेज का बीच हाउस है, वहां से शुरू होकर और मेन जुहू बीच तक 7 गार्डन है। बरसात में झाड़ों को ऐसे बांध दिया जाता है ताकि गिरे ना। पीछे महेश भट्ट की बिल्डिंग, सिल्वर बीच, ये भी कोई फाइनेंसर है फिल्म के जो आ रहे हैं। ये गार्डन सुबह 5:30 बजे खुलता है और तकरीबन 10:30 बजे क्लोज हो जाएगा। वो
लाल वाला संजय खान का बैक साइड है घर का, फ्रंट साइड में संजय प्लाजा नाम है, ये बैक साइड है। अभी तो टाइम खत्म हो गया, शाम को काफी सेलिब्रिटी मिलते हैं। असरानी जी सुबह सुबह यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, काफी बुजुर्ग हो गए हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं अपना डायलॉग की और अपनी वॉइस के ऊपर। ये लाल वाले बिल्डिंग रहेजा का बीच हाउस है, ये पीछे संजय खान का। मुंबई में 8 बजे के बाद सुबह हेलीकॉप्टर शुरू हो जाते हैं और बीच के ऊपर ही घुमाते हैं। कई साल पहले 5,000 रुपये लगता था, अब तो खैर ज्यादा लगता है। तो हमने कहा आपको नई चीज दिखाते हैं। बहुत तूफान पर है, बरसात में पेड़ गिरे ना, समुद्र का किनारा है इसलिए इसको बांध दिया जाता है। ये जो वाइट ड्रेस में साहब जा रहे हैं, फिल्म फाइनेंसर है, बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने फाइनेंस की। बरसात में तो बीच पे आने का मजा ही कुछ और है। गार्डन वॉक के लिए बनाया गया है, पत्थर डाले गए हैं प्रेशर पॉइंट के हिसाब से। पीछे वो बिल्डिंग शिल्पा शेट्टी रहती है वहां पर, ये पीछे रहेजा का। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। शाम को बहुत रश होता है, सीनियर सिटीजन आते हैं। सब सीट्स फुल होती है। ये पत्थर बांध दिए जाते हैं ताकि पानी आए तो ये पत्थर बहे नहीं। ये बीच पे जाने का रास्ता, पे ताला डाला हुआ है। टाइम हो गया है, ये पीछे पर्सनल रोड है, यहां से आम आदमी नहीं जा सकता। खाना पीना अलाउड नहीं है क्योंकि गार्डन गंदा हो जाता है। ये मैडम शिल्पा शेट्टी का घर, अभी टाइम ओवर हो चुका है तो अभी हमारे मिलने जुलने वाले दोस्त यार नहीं हैं। सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है ये। सीनियर सिटीजन आंटी आ रही है, इनका लड़का दुबई से आया है, वॉक करा रहा है उनको।
ये सुशील मोदी का उजाड़ा हुआ, उजड़ गया बीच हाउस है। यहाँ पे वॉचमैन बैठा रहता है, आज पता नहीं, आज नहीं है तो सुशील मोदी जी पता नहीं विदेश में है, कहाँ है मालूम नहीं किसी को। ये उनका बीच हाउस है, हर पैसे वाले ने अपना अपना बीच हाउस दरिया के किनारे बनाया है। समुंदर जो है दीवारें तक तोड़ देता है, पत्थर से दीवारें लोग बांधते हैं, हाई टाइड। इसको हाई टाइड बोलते हैं, जहां चलने का सब आपको जगह नहीं मिलती है, लगता है पूर्णमासी अभी गई है, पूर्णमासी होती है तब हाई टाइड होता है। सामने वो मैडम योगा कर रही हैं। सुशील मोदी का उजड़ा हुआ घर, यहाँ पर शाम को एक भी सीट नहीं मिलती है। मैंने शुरू से लास्ट तक का पूरा गार्डन आपको दिखाने की कोशिश की है, और वो पार मड आइलैंड है, जहाँ पे बड़ी 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 बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वो मड आइलैंड है। और सामने एक ब्रिज मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ, ब्रिज जो है इसमें भी सेलिब्स रहते हैं बहुत सारे, काफी स्टार्स रहते हैं। तो ये इधर से आते हैं, दीवारें गंदी ना हो इसलिए भगवान की फोटो लगा दी जाती है। पेड़ गिरते हैं तो देखिए कैसे बांधे गए। तो ये लास्ट छोर है, इसी गेट से जो है वो सामने भी कोई सेलिब्रिटी का फ्लैट है वहां पर। पास में ही हरे कृष्णा मंदिर है, इस गेट से सब आते हैं, शक्ति कपूर हो गए, सरानी हो गए, जो भी है। एक गेट उधर है, एक इधर है। देखिए किस तरह पानी आता है और सड़क तोड़ जाता है, सफाई वाले सफाई कर रहे हैं। इधर से एंट्री बंद की है पुलिस ने, सिर्फ पैदल का रास्ता है, गाड़ियां नहीं आती। ये बीच हाउस है सिस्टर का, वो सामने रही जाती होटल है मड आइलैंड। और अभी कुछ नया बन रहा है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे। उम्मीद है आपने मेरा ये एफर्ट जो है आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग पूरा गार्डन आपको दिखा दिया है, हेमा मालिनी गार्डन। कभी भी मुंबई आइए तो ये गार्डन जो है ज़रूर घूमिएगा। मैं ऐसे कर आपको
एक एक गार्डन हम दिखाएंगे। बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।